गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लव फॉर फैमिली। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है और आज सुबह सुबह बारिश हुई है और सुबह का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, तो जहाँ पर ट्रीज़ हैं वहाँ पर तो पानी आया नहीं है, और इस एरिया में देखिए आप, काफ़ी सारा पानी नज़र आ रहा है सामने। और ये मेरे छोटे छोटे प्लांट्स, बाहर की हवा खाने के बाद मैं आ गई किचन में, और किचन में मैं बना रही हूँ नाश्ता। फटाफट से मैं बनाऊंगी नाश्ता, और ये जो रेसिपी है बहुत ही इजी है और 10 मिनट्स में रेडी हो जाती है। सो गाइस, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो लोग ट्राई नहीं करते हैं या जिन्होंने अभी तक इसको नहीं बनाया है, सो ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी है और बच्चों के लिए बहुत हेल्दी भी होती है। तो मैं आज बना रही हूँ उपमा, सूजी का उपमा। बहुत आसान है बनाने के लिए ये, और जब अन्नी छोटा था तो अन्नी का तो बहुत फेवरेट था ये। सो सबसे पहले क्या करना है, हमें कढ़ाई रखनी है। कढ़ाई में हमें डालनी है सेमोलिना या फिर सूजी। हमें लेनी है एक कटोरी सूजी, और एक कटोरी सूजी को डालकर मैंने उसको रोस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। इसको ड्राई रोस्ट करेंगे हम, और इसको बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बहुत लाइट सा कलर लाना है हमें, बिल्कुल लाइट सा। तो जो लोग हलवा बनाते हैं सूजी का, उनके लिए ये रेसिपी बहुत इजी है, वो बना सकते हैं। लेकिन हलवे में और इसमें ये डिफरेंस होता है कि हलवे में हम सूजी को बहुत ज़्यादा रोस्ट करते हैं, उसका कलर टोटली चेंज कर देते हैं, और उसको हम घी में रोस्ट करते हैं। तो इसको हमें घी में रोस्ट नहीं करना, सिंपल ऐसे ही रोस्ट करना है। और बस अब मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ। रोस्ट होने के बाद इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे अलग से। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसमें डालूँगी ऑयल। तो ऑयल डालने के बाद अब इसमें मैं डालूंगी जो वाइट वाली उड़द की दाल होती है, उसके कुछ दाने मैंने इसमें ऐड किए हैं। और उसके बाद इसमें मैं थोड़े से चने के दाल के दाने डालूंगी। तो ये जो दाल डालते हैं ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं इसके अंदर खाने में। आप इनको भी डाल सकते हैं, आप पीनट्स भी डाल सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ आपको। उसके बाद क्या किया है, मैंने प्याज को काट लिया है लंबा लंबा, और उसमें कड़ी पत्ता डाल दिया है, और इसको हमने ऐड कर दिया ऑयल में। उसके बाद मैंने इसमें सरसों डालना भूल गई थी, तो ये है मस्टर्ड सीड्स, उनको हमने ऐड कर दिया है। और बहुत लाइट सा हमें इनको फ्राई करना है, ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना। उसके बाद जो हमने रोस्ट किया है सूजी, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसमें ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसमें मैं ड्राई मसाले जो होते हैं वो भी बहुत कम डालते हैं, मैं सिर्फ इसमें नमक डालती हूँ या थोड़ी सी लाल मिर्च डालती हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं डालती। बस वही डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और इसमें जो पानी का मेजरमेंट होता है वो हलवे की तरह ही होता है, जितनी हम सूजी लेते हैं उससे 4 times ज़्यादा हमें पानी लेना होता है। तो अगर एक कटोरी सूजी डाली है तो हमें 4 कटोरी उसमें पानी डालना होता है, सो तभी इसका अच्छा फ्लेवर आता है। ये पानी मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे हलवे में होता है कि उसमें थोड़ी देर के बाद वो जो सूजी होती है वो बहुत गाढ़ी होने लग जाती है, सब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे हलवे में होता है उसी तरीके से ही सेम इसमें भी होता, मतलब उसी तरीके से ही हम इसको बॉयल करेंगे, और हलवे वाली ही कंसिस्टेंसी में हमको इसको रेडी करना है। तो इसको ज़्यादा देर नहीं लगती, 2-3 मिनट के अंदर ये पकने लग जाता है अच्छे से। तो इसको मैं बार बार हिलाती रहूँगी, क्योंकि क्या होता है कि पानी ऊपर रह जाता है, सूजी नीचे रहती है, तो उसको मिक्स करना पड़ता है बार बार। तो बस इसको मिक्स करते रहेंगे, और ये रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा मैं इसको और पकाऊंगी, और जैसे ये रेडी हो जाएगा उसके बाद मैं इसको सर्व करूंगी। ये रेडी हो चुका है, और इसको ऐसे भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं, और दही के साथ भी खा सकते हैं। तो मैं आज दही के साथ ही खा रही हूँ, और बच्चों को भी इस दही के साथ ही खिलाऊंगी। सो ये हमारा रेडी हो गया है, और बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। उसके बाद ये मूवी चल रही है यहाँ पर, ये मूवी है केसरी मूवी। तो ये सीन बहुत ही इमोशनल सीन था, तो बच्चे ये वाली मूवी देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे थे। तो मीनवाइल मैंने सोचा कि मैं मूवी तो मैं ही देख चुकी हूँ पहले, तो मैंने सोचा कि मेरे कुछ प्लांट्स हैं जो ख़राब हो रहे हैं, टूटे प्लांटर्स में हैं, तो मैं उनको चेंज कर लूँ। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करने की कोशिश की है। तो ये मेरे कुछ मग्स हैं जिनके हैंडल टूट चुके हैं, और इनको मैं आज यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि जैसे मेरे छोटे छोटे कुछ प्लांटर्स थे ये ब्लैक कलर के, ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किए थे, और मैंने इनको ग्रिल पर हैंग किया हुआ था। पहले भी आपने काफ़ी वीडियोस में देखा होगा, तो इनमें से कुछ जो मेरे प्लांटर्स हैं ना वो क्रैक हो चुके हैं काफ़ी जगह से,
और मैं जब भी उनमें पानी डालती हूँ ना, तो वो पानी नीचे निकल जाता है। तो इन छोटे छोटे प्लांटर्स में मैंने कुछ ज़्यादा बड़े प्लांट नहीं लगाए हुए हैं, सिंपल ये मैंने इसमें फुलवाड़ी वाले लगाए हुए हैं जो कि इजीली ग्रो हो जाती है कहीं पर भी। तो बस अब उन्हीं को ही मैं चेंज करी, मैं सोच रही हूँ जो मेरे ये मग्स हैं इनको मैं यूज़ कर लेती हूँ और वो प्लांटर्स को मैं हटा देती हूँ। तो उन्हीं पौधों को निकाल कर मैंने इन, ये भी देखिए दूसरा है, तीन मेरे प्लांटर टूट चुके हैं। सो मैंने फिर क्या किया है, ये छोटे छोटे जो मेरे मग्स हैं इनके अंदर मैंने ये वाले प्लांट्स को ट्रांसफ़र कर दिया, ताकि ये मेरे मग्स भी यूज़ हो जाएंगे और जो मेरे वो प्लांटर क्रैक हो गए हैं जो बिल्कुल भी काम नहीं आ रहे हैं, सो उनको मैं अब निकाल सकती हूँ। क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम है, हम ज़्यादा प्लांटर्स खरीद नहीं सकते, और एक ही मेरे पास वाइट कलर का रखा हुआ था, सो इसके अंदर भी मैंने प्लांट को ट्रांसफ़र कर दिया। सो आप भी अब अपने घर में ऐसे कर सकते हैं, जिनको पसंद है प्लांटिंग वगैरह पसंद है वो ये काम कर सकते हैं। और अपनी जो भी चीज़ें ख़राब होती हैं, जैसे कि डब्बे होते हैं या ये मग वगैरह हो गए या कुछ भी ऐसा सामान जो हमारा वेस्ट हो गया है, तो उसमें आप प्लांटर्स को प्लांट कर सकते हैं, पेंटिंग वगैरह भी उन पर कर सकते हैं अगर वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं तो। तो फ्यूचर में मैं आपको कुछ दिखा, मतलब अपना कुछ दिखाऊंगी ऐसा जो मैं प्लांटर्स को कलर वगैरह करूंगी, सो उससे भी आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। और ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने घर की वेस्ट चीज़ों को यूज़ करने का, सो आप भी घर में ट्राई कर सकते हैं ये। तो अब जो मेरे बाहर जो और लगे हुए हैं, उसमें से कुछ मैं प्लांट की जो तोड़ तोड़ कर कटिंग इसमें लगा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इजीली ग्रो कर जाते हैं, इनको ग्रो करने के लिए ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं चाहिए होती है। तो जस्ट इनको मैं प्लग करके और इसमें मिट्टी में सिर्फ इसी तरीके से ऐड कर दूँगी, ताकि मेरे जो नए प्लांटर्स हैं ये भी अच्छे से ग्रो कर जाएं और भरे भरे हो जाएं। तो यहाँ चल रहा है फोटोशूट बच्चों का, ये है इनके चाचू और ये इन दोनों को मैचिंग कपड़े पहना के इनका फोटोशूट कर रहे हैं, ये देखिए। बट अभी तो बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन लविया को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है आप देख ही सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है बच्चों के साथ एंजॉय करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होता है, तो लॉकडाउन में टाइम पास करने के लिए यही सोचा कि हम लोग ऐसे ही कुछ करते हैं। फिनिश हो गया देखो, बच्चे थक गए हैं फोटोशूट से और अब वो आ गए हैं खाना खाने के लिए। और इनके टेंट्रम्स को हैंडल करना और उनको बैठा के खाना खिलाना, ये काम मेरे हस्बैंड का है आज, और मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है तो बस इनको बारी बारी खाना खिला रहे हैं ये। अभी फिर से करो।